देखो सा एसबीआई वाला लंच तो एडो करे जानी अने लुगाया 56 भोग बनान वेजे रोज सब आने है एक दिन कहता रहे वे लंच के बाद जाना राम राम से खमागणी जय श्री कृष्णा ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 280 रे में आपरो स्वागत है। तो सुनो सा देखो सा थोने छीक आवती आवती रुक जावे नी तो समझ लो कि कोई थोने याद करियो पर वो ओ होच लियो के दफा करो। एक टाइम है तो रात 12 बजे पे भूतरा टाइम है तो और हमें फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब है सब मिले नहीं भूतरा रोजगार छीन लियो। लुगाया आपने धनी ने परमेश्वर माने पर मजा लेके कोई दूजी आने पूज लेवे। एक छोटी सी चींटी आपरे पैर ने काट सके पर थे बिन पैर ने वो काट सको इन वास्ते जीवन में किनी छोटो नहीं समझनो। वो जो को कर सके वो आप नहीं कर सको। मारा घरवाला मने सुबह सुबह इन तरीके उठावे के जाने कोई तीसरो युद्ध सूर छिड़ गयो है और आखरो सैनिक मैं ज बच्चियो। एक बुजुर्ग को पूछा कि आपने जीवन भर शादी क्यों नहीं की तो उसने बताया कि मेरे जवानी की बात है कि मैं एक पार्टी में गया था वहाँ अनजाने में मेरा पैर आगे खड़ी युवती के पल्लू पर गिर गया। वो नोगिन की तरह फुकार मारते हुए पलटी और शेरनी की तरह दाढ़ी और बोली ब्लडी हेल अंधे हो क्या। मैं हकला कर माफी मांगने लगा फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी बड़े ही मधुर स्वर में बोली ओह माफ कीजिए मैंने समझा मेरे पति है। फिर मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई। देखो सा पहले लोग मरता था और आत्मा भटकती थी हमें आत्मा तो मर गई अने लोग भटक रही है। स्कूल में मार साहब ने घनी मार खाई सिर्फ और सिर्फ हैंड राइटिंग हुदर वास्ते और हमें आज जिंदगी कीबोर्ड और टच स्क्रीन माते गुजर रही है। पचे कई फायदो मारे इतना जूता खाया हूँ। मारे पड़ोस में 12 साल रो छोरो की नहीं फोन करन बोल रहे हो तो तुम भी ना बच्चों जैसी बातें मत किया करो बेबी। ये कफन भी क्या चीज है जिसने बनाया उसने बेच दिया जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसको तो मालूम ही नहीं। देखो सा अपने देश में मनपसंद शादी ना होने पर भी गुस्सा महीने 4-5 टावर तो हो ही जावे। दुनिया महीने लगभग 800 तरह का खेल खेलिया जावे पर आजकल लोगों ने भावनाओं खेलना ही पसंद है। आज का महान ज्ञान एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना रखे जब जैसा मौका मिले लगाते जाए सफलता आपके कदम चूमेगी। ससुराल में मैंने जब रेडीमेड जगह माते कट पीस मिलने लगे नी तो समझ लीजिए थे जीजा जी फूफा जी माते आउन वाला। नदी को साफ मत करिए बस गंदा करना छोड़ दीजिए साफ तो वो अपने आप को कर ही लेगी। जंगल मत उगाइए पेड़ काटना बंद कर दीजिए जंगल खुद ही उग जाएगा। शांति स्थापित मत कीजिए अशांति फैलाना बंद कर दीजिए शांति खुद ही हो जाएगी। व्यवस्था मत बनाइए व्यवस्थित रहिए व्यवस्था खुद हो जाएगी। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है और अगर इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। राम राम सा खमागणी जय श्री कृष्णा। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ। ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।